25 मई को हरियाणा में लोकसभा के छठे चरण का चुनाव होना है। 23 मई शाम तक सभी पार्टियों के चुनाव प्रचार पर पूर्ण विराम लग जाएगा। इसी कड़ी में सिरसा से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर के पुरजोर प्रयास नजर आ रहे हैं। वीरवार को अशोक तंवर ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनकी जिम्मेवारियों को निर्धारित किया। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर अशोक तंवर ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। मैं ये कहूँगा, यहाँ बहुत से लोग 6-6, 7-7 बार उनके परिवार को मौका मिला, उन्होंने लोगों के लिए ये नहीं समझा कि भाई लोग आकर के काम मिलेंगे, कभी उस चीज़ को समझा नहीं। लोग मौका देते रहे, वो ऐसे ही ना आए, ना उनकी सुधली, इसलिए ना तो उनके कहीं पत्थर दिखते हैं गांव में, ना उनका कुछ काम दिखता है, और इसीलिए उनको बार बार एक जगह से दूसरी जगह भागना पड़ता है। अशोक तंवर सिरसा के लिए समर्पित सेवक है, इस भारत माता का सपूत है, और 15 वर्षों से लोगों के बीच में रहे, उनको छोड़ के नहीं भागे, भगोड़े नहीं बने। सिरसा की जनता साबित कर दे कि भाई अशोक तंवर तो उनके बीच में रहा, पूरी मजबूती से सेवा करी, और अब मोदी जी के कमल का फूल लेकर के आए भाजपा के, तो डबल ट्रिपल वोट से जो है, पिछली बार 3 लाख से हम लोग ये सीट जीते थे, इस बार 651 से ऊपर जीतेंगे, तो ये लोग साबित कर देंगे कि भाई ये जो आज भी है मोदी जी का जादू बरकरार है, और इसी तरीके से आगे भी इस बार 400 पार हैं, अगली बार 500 पार हैं। और जो ये कहते हैं कि भाई आरक्षण को खतरा है, संविधान को खतरा, मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा खतरा इस इंडी अलायंस के लोगों से है, गमंडिया गठबंधन से है। ये जो लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब के नाम पर राजनीति तो की, उनके फ़ोटो तो लगाते हैं, लेकिन बाबा साहब के बिल्कुल उलट काम करते हैं। ये मुख्यतः ये जो पार्टियां हैं वो दलित विरोधी हैं, वो बैकवर्ड क्लास विरोधी हैं, वो आदिवासी हमारे समाज के विरोध में, और अगर कहा जाए नटशैल में तो ये देश विरोधी ताकते हैं। और बाबा साहब क्या कहते थे, सबसे पहले और अंतिम हमारा देश है, वी आर फर्स्टली एंड लास्टली इंडियंस, तो इंडिया के लिए काम करो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई सब लोग उठो, अगले 2-3 दिन पूरी और मेहनत करिए, यहाँ के जो लोग देख रहे हैं हमारे हरियाणा के, और जो लोग बाहर के देख रहे हैं, मैं उनसे भी आग्रह और अनुरोध करूँगा कि लास्ट फेज जो है 1 तारीख को है पंजाब और उत्तर भारत में कई जगह, तो वो भी पूरी ताकत लगाइए और सुनिश्चित करिए कि अब की बार 400 पार हो और अगली बार 500 पार हो।